हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मंजीत टाइगर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को CSVT यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों हेलो दोस्तों, अभी हम लोग घड़ी चौक पहुंच गए हैं। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग भिलाई निकल रहे हैं दोस्तों मेरे फ्रेंड के साथ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये आगे चौराहा है दोस्तों, यहाँ से अपन होते हुए एम्स पहुँच गए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं एम्स हॉस्पिटल दोस्तों, ये जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ बेस्ट क्वालिटी का इलाज होता है दोस्तों। और अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं दोस्तों। ये खरून नदी है, देख सकते हैं, ये रायपुर का जल जीवन दाता है दोस्तों। और यहाँ से अपन निकल गए हैं। ये रहा हाईवे, इतना खतरनाक रोड है। हम लोग फाइनली भिलाई पहुँच गए हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इंटर कर लिए हैं दोस्तों, और यहाँ से हम लोग भिलाई के लिए दोस्तों शॉर्टकट हम लोग CSVT यूनिवर्सिटी जा रहे हैं दोस्तों। ये नज़ारा देख सकते हैं, चारों और हरियाली हरियाली है दोस्तों। और ये आगे में दोस्तों दिखाई दे रहा है दोस्तों पावर प्लांट दोस्तों। यहाँ से हम लोग चौराहा से राइट टर्न लेंगे दोस्तों, और यहाँ से अपन सीधा सीधा जाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग व्यूज, ये हरियाली ही हरियाली नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर। अभी हम लोग फाइनली CSVT यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग गेट, और यहां से अपन इंटर कर रहे हैं दोस्तों। और ये रहा अपने कैंपस का नज़ारा दोस्तों, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आप लोग चारों ओर देख सकते हैं, ये कृष्णा के साथ अपन बाइक में जा रहे हैं दोस्तों। ये नज़ारा आप लोग कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों, इस टाइप का हरियाली। और सारे BTech वाले स्टूडेंट को देखना चाहिए दोस्तों, जो न्यू है वो ज़रूर देखें दोस्तों ये वीडियो। और इसके माध्यम से भी आप लोग CSVT यूनिवर्सिटी आ सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो को कभी स्किप ना करें दोस्तों, और इसको देख देख के आप लोग आ सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग फाइनली दोस्तों CSVT यूनिवर्सिटी पहुँच ही गए हैं दोस्तों। ये रहा अपना CSVT यूनिवर्सिटी, आप सभी का स्वागत है, और साथ में हमारे दोस्तों का भी स्वागत है, क्योंकि सभी को यहाँ आना पड़ता है दोस्तों किसी भी हाल से। हम सभी के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के स्टैचू हैं दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं नज़ारा, जो कि पूरे विश्व में दोस्तों अपना नाम ख्याति प्राप्त किए हैं दोस्तों। और इसी के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी का नाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद जी के नाम से रखा गया है दोस्तों। अभी हम लोग अपने फ्रेंड के साथ पहुंच गए हैं दोस्तों, अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं मेन गेट से। और यहाँ इंटर करने से पहले अपना नाम और क्या काम से आए हैं वो चीज़ एंट्री किया जाता है दोस्तों। और ये रहा मेन गेट, और यहाँ से हम लोग अंदर की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप लोग दोस्तों रिसेप्शन में आप पूछ सकते हैं दोस्तों कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, यहाँ से आप लोग पता कर लीजिए दोस्तों। हाय दोस्तों, आज हम लोग आए हैं CSVT जो कि हमारे कॉलेज की यूनिवर्सिटी है, तो आप सब बने रहिए मंजीत भाई के साथ, बने रहिए दोस्तों। ब्लॉग का नाम है मंजीत टाइगर ब्लॉग, आप लोग बने रहिए और दिखाते हैं आप लोगों को फ्रंट व्यू एंड व्यू। ये दोस्तों और यहाँ सेकंड फ्लोर में TCS का ऑफिस है, जहाँ बच्चे लोग अपना काम रिजल्ट को सॉल्व कर के बारे में पूछने आते हैं। और यहाँ देखिए बच्चे लोग हैं जो कि अपना अपना प्रॉब्लम लेके आए हुए हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं अंबिकापुर से आया हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा सेशन का इशू है, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट मतलब करेक्शन करना है, उसका टेक्निकल मार्क्स चढ़ा नहीं है, उसी की वजह से मेरा डिग्री और इशू नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, परेशान हो गया हूँ, पाँच बार हो गया, पाँचवीं बार है आपको।
हाँ, कौन सा कॉलेज से? सीआईटी रायपुर। अच्छा अच्छा, कौन सा ब्रांच? माइनिंग। हाँ, पास आउट वाले हो? पास आउट के स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए दोस्त इस टाइप का प्रॉब्लम। अच्छा लगे। हाँ जरूर होगा जरूर। हाँ ऐसे तो लेट हो चुका है, ठीक है जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल आपका हो जाएगा, कोशिश करेंगे अपने माध्यम से। बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ सर। और इस बंदे माइनिंग ब्रांच से लेके बहुत टेंशन में तो है, क्योंकि इसको ट्रेनिंग अभी जाना है, पीजीपीटी ट्रेनिंग, एक साल का जो कोर्स होता है। हाँ इसलिए इस बंदे को बहुत ज़्यादा टेंशन है। और अगला स्टूडेंट लोग से पूछते हैं इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है। भाई आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? ये रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है फिफ्थ सेमेस्टर का, जो मेरा दोस्त है वो अगले सेमेस्टर का मतलब एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा। अच्छा अच्छा, इसको लॉस हो गया तो उसी को ठीक कराने के लिए। अच्छा अच्छा, उम्मीद तो हो जाएगा। हाँ रिक्वेस्ट कर दिए हैं, वो प्रोसेस में है। अच्छा अच्छा, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं मेरे को कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है। Thank you.